टू दी चैनल बी ऑसम डीएलएफ। तो अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि हम लोग हैं अंबाला में। तो यहाँ पे ना निकलसन रोड के ऊपर एक आउटलेट, एक दुकान 1928 से है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है फॉर देयर पत्तल वाली टिक्की। और उस दुकान का नाम है पत्ता चाट भंडार। और मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट एड्रेस जो है इनका, वो है 5509 निकलसन रोड एंड ऑपोजिट टू भारतीय जनता पार्टी ऑफिस। तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं इनकी पत्ते वाली टिक्की, क्योंकि वो काफ़ी फेमस है। और इन्होंने हमें बोला कि हमारे गोलगप्पे ट्राई करके देखिए, वो भी बहुत फेमस है। 1928 टिल 2024, मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, सो लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। सो अभी हमें ना ये बता रहे थे अंकल कि इन्होंने 1 रुपये की, जब काम शुरू किया था तो 1 रुपये की प्लेट टिक्की बेचते थे, और अभी ये देख लो आप इन्फ्लेशन कितना हो गया, 30 रुपये की हो गई है टिक्की। और कुछ लोग इतने पुराने आते हैं जो 1 रुपये में 64 टिक्कियाँ भी खा के जाते थे। तो 1928 ये खुद ही, मतलब ये एक शॉप जो है ना, ये ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना, एक हेरिटेज शॉप है। और हेरिटेज कहानियाँ आपको यहाँ पे आके सुनने को मिलेंगी अगर आप आते हो। और स्वाद की बात करें तो पता लगेगा कि यार पुराने लोग जो खाते थे, क्या वही स्वाद आज भी है कि नहीं है। सो वी आर जस्ट वेटिंग, और हमारी टिक्की तैयार हो गई है, और साथ में मेरा मुंह में पानी आ रहा है फॉर गोलगप्पाज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो रेडी। तो ये दोनों चीज़ें हम ट्राई करेंगे एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड, लेट्स सी। तो ये है जी हरी चटनी पुदीने वाली, ठीक है सर। ओके, ये मसालेदार मीठी चटनी है जी। और ये है हमारा दही, दही आलू। और ये तेज मसाला, ये है तेज मसाला, गरम मसाला। सुना तेज मसाला कौन सा होता है सर? गरम मसाला और तेज मसाला मिक्स है ये। अच्छा, गरम मसाला और तेज मसाला मिक्स है। तो अब बारी है जी टेस्ट करने की। करारी, क्रंची, खूबसूरत। ओहो हो, गाइस अगर क्रंच की आवाज़ आ रही होगी ना, देन यू विल बी एबल टू नो माई एग्जैक्ट फीलिंग। जो टिक्की है ना भाई, वो इतनी क्रंची है और एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है, सो नाइस। और ऊपर से जब इन्होंने जो चटनी डाली है ना मिक्स वाली, भाई गजब। और ऊपर से मसाला एंड आलू, मतलब नाउ आई नो कि 1928 वाले लोग आज तक भी आते हैं। सो दिस इज़ दी बेस्ट। और मुझे पता लगा हिमाचल से लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सच में वन ऑफ द बेस्ट टिक्की है जो मैंने खाई है आज तक। दिस इज सो गुड, 5 out of 5। सो गाइज अब इन्होंने हमें बोला था कि हमारे गोलगप्पे भी ज़रूर ट्राई करना, तो वही हम लोग ट्राई करने वाले हैं। सो कौन कौन से तरीके का पानी है अंकल? जीरे वाला, हींग वाला, पुदीना, काली मिर्च, मीठा लेमन केवड़ा, मैंगो। ओके, तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे हींग वाला, जीरे वाला। अच्छा जी, सारे खिलाओगे आप मुझे? जीरे वाला गाइस, ये जीरे वाला। जीरे वाला पानी मुझे काफी अच्छा लगा, सर हल्का हल्का स्पाइसी भी है, और इनके जो ये गोलगप्पे हैं ना बहुत क्रंची है, सॉगी नहीं है, तो दैट इज़ द हाई पॉइंट। अब बारी हींग वाला, अब हींग वाले की बारी है जी। और ये दोनों काफ़ी हेल्दी होते हैं। आई लव हींग, मुझे वैसे ही हींग बहुत अच्छा लगता है, और पानी हींग वाला बहुत ही अच्छा है। मुझे लग रहा है ओरिजिनली ना, मतलब फ्लेवर्स नहीं ऐड किए हुए, एक्चुअल हींग वाला पानी बनाया उन्होंने। दिस इज सो गुड। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई वन मोर, दैट्स ऑल। एक अंकल बस, अब मैंगो वाला नहीं, अब मौसम नहीं है मैंगो का। अब आ रही है जी मीठा लेमन केवड़ा। पानी
बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। तो बस अंकल इतनी जगह खाया मैंने। नहीं बस गाइस, टिक्की गोलगप्पे, प्राइस, क्वालिटी और टेस्ट तीनों पे लाइक 5 में से 5 नंबर। सो इफ यू आर कमिंग टू अंबाला, इफ यू आर फ्रॉम अंबाला और चक्कर लगता है तो ज़रूर आके यहाँ पे ट्राई करना। बहुत ही ऑथेंटिक जगह है, बहुत ही ऑथेंटिक मार्केट है और साथ में बहुत ही हेरिटेज पुरानी दुकान है और स्वाद भी आज तक वही मिलते हैं। सो डू कम एंड ट्राई इट आउट। चटनी डाली है मीठी, मीठी चटनी, हाँ, फिर अनार डाला है, फिर अदरक डाला है, हाँ जीरा डाला है और ये क्या बात है, मतलब इसमें अदरक है ना, ये क्या बात है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ कोई अदरक डाल रहा है। और लेट्स सी, ये था सोने पे सुहागा, मतलब दिस इज सो सो यमी, ये फाइनल टच। और इसको इसको किसी को भी खा के ना, मतलब आपको गिल्ट नहीं होता क्योंकि हींग का पानी, जीरे का पानी, अदरक, ये सारी चीज़ें ना मतलब डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। और इनके गोलगप्पे खा के ना पता लग रहा है कि ये फ्रेश है और ये बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो हाइजीनिक है, क्योंकि वो इतने क्रंची थे, इतने फ्रेश थे कि मज़ा आ गया खा के। ओह माय गॉड, आप खा के बताओ कैसा है ये। सो गाइस, ये है गुलाब जामुन, गरम गुलाब जामुन भी अंकल ने हमें बोला कि ये भी टेस्ट करो। सो लेट्स सी, खूबसूरती देखो, खोया देखना यार, इतना वो मैंने कभी नहीं देखा, मतलब इतना वो क्या कहते हैं सॉफ्ट खोया आई हैव नेवर सीन। ओह बिल्कुल मलाई की तरह, लाइक लिटरली मलाई है, मतलब मुंह में डालते ही घुल जाता है, मीठा बहुत बैलेंस है गुलाब जामुन का और ये बिल्कुल मलाई थी और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। इट्स सो सो यमी एंड सो नाइस। अब तो आना बनता है, हमने पेट पूजा कर ली, अब आपकी बारी है। सो यू हैव टू विजिट दिस प्लेस एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ऐसा क्या है सर फेमस, सबसे पहले तो ये बताइए, इतने साल हो गए। हमें तो ये पता था 1928 से हमारे दादाजी ने काम शुरू करा था। हाँ जी, तो उसके बाद में हमारे पिताजी, फिर हमारे पास है अब हमारा बेटा भी इसी काम में है। ओके, तो उस टाइम तो लेके हुण तक द टेस्ट बिल्कुल सेम है सर। टेस्ट वही है, टेस्ट वही है। अभी आपको टिक्की खिलाएंगे तैयार करके, आप अपने आप ही बताओगे। तो अभी बहुत पुराने पुराने कस्टमर भी आते हैं सर। अब तो 30 रुपए प्लेट है। हाँ, ऐसे भी कस्टमर हैं जिन्होंने 1 रुपए की 64 टिक्कियाँ खाई हैं, 1 रुपए की 64, और वो आज भी जिंदा हैं। 6 महीने पहले आए थे मेरे पास दुकान पे, कह रहे हमने 1 रुपए की 64 खाई हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब कि कई लोग ऐसे भी हैं इनके पास जो 1 रुपए में 64 टिक्कियाँ खाते थे उस जमाने में, तो वो भी अभी भी आते हैं, मतलब वही टेस्ट, वही क्वालिटी, वही हाइजीन, सब चीज़ें बरकरार है, खा के जाते हैं और खा के भी जाते हैं। तो हम लोग भी ट्राई करने वाले हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमें कैसी लगी, मतलब कि अगर अंबाला का ट्रिप किसी का बनता है तो उसको यहाँ पे ज़रूर आना है और ट्राई करना है और फिर हमें कॉमेंट में बताना है।